भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टार्टअप जैसन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं आया हूं दिल्ली, दिल्ली का जंतर मंतर लोकेशन। भाई ये वो लोकेशन है जहां पर पूरे भारत में यहां पर आकर कंप्लेंट करते हैं सरकार को, और सेंट्रल लेवल की कंप्लेंट हो भाई यहां पे, क्योंकि इसी लोकेशन को मान्यता मिली हुई है कंप्लेंट करने की, मतलब धरना प्रदर्शन और इस टाइप के सारे काम यहीं पर हुए उलाने दिन वाले। ये पहले छोटे छोटे तबके में चले हैं, एक खंड के अंदर, फिर एक जिले में, फिर उस पूरे स्टेट में, जब भी नहीं सरकार माने तो भाई उसके बाद फिर ये सारा सिस्टम चला है दिल्ली के जंतर मंतर लोकेशन पे। वहाँ पे दिखाऊँ निर्वित कर्मचारी वहाँ की, उनकी कुछ कंप्लेंट है। वहाँ पे दिखाऊँ ये जो गोरखा है उनकी कुछ कंप्लेंट है। यहाँ पर अगर हम दिखाएं अखिल भारतीय स्वतंत्र लोकतंत्र सेनानी, इनकी कुछ अलग कंप्लेंट हैं। वहाँ पर एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उनकी कुछ अलग कंप्लेंट है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप, उनकी कुछ अलग कंप्लेंट है। इस तरह से मोटा माटी 200-400 कंप्लेंट धारक यहाँ पर रहते हैं। विशेष उनको अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन मिलने के बाद फिर वो इस तरह से कार्य करते हैं। तो भाई ये हुई एक बात। उसके बाद मैंने इन सब के बारे में कुछ ज़्यादा सा पता नहीं है, फिर भी अब मेरा दिल्ली में काम करने का सौभाग्य मेरे को मिल रहा है, तो अब दिल्ली पे फोकस रखेंगे। और हर संडे SUNDA भाई, हर संडे को हम यहाँ पर आएंगे, जो भी कंप्लेंट होंगी लोगों की लेंगे और फिर सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और मेरा जो भाई पीछे बैठा है विनोद आर्य, बड़ा मेहनती है, बड़ा लगनशील है, तो जब मैं इसका नाम चैनल पर ले दूँ तो बड़ा राज्य हो जाए मेरा भाई। तो भाई अब रही बात इन सब की, इन सब के विषय की, हम लेते रहेंगे और इस तरह से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज ही कोशिश करेंगे इनकी कुछ कंप्लेंट्स हम लें और सरकार तक अगर पहुंच जाए हमारे मार्फत तो बड़ा सौभाग्य की बात है। यहाँ के जो भी कंप्लेंट लेंगे भाई वो किसी से पैसे लेके नहीं करेंगे, सच्चाई है सच्चाई दिखाएंगे। जो पूरे दिल्ली का सर्वे है वो फेयर करेंगे, किसी से पैसे लेके सर्वे नहीं करेंगे। तो भाई इस बात से किसी खिंच उठे तो उठने दो यार, कि मैं समाज का भलाई करांगे। तो अब इस वीडियो पे आप क्या राय देना चाहो, कुछ नई आइडिया तो बताना चाहो तो भाई ज़रूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।